तो दिल्ली में आरजेडी का दो दिवसीय महामंथन है। पहले दिन यानी आज एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, मंत्री तेज प्रताप यादव, श्याम रजक, अब्दुल बारी सिद्दीकी, शरद यादव समेत तमाम नेता बैठक में मौजूद रहे। इस कार्यकारिणी में 3 महत्वपूर्ण प्रस्ताव जिसमें विदेश नीति और आर्थिक प्रस्ताव पारित हुए। राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज दिल्ली में हो रही है और इस बैठक में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव, शरद यादव, प्रदेश के जो बड़े नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, श्याम रजक, रामचंद्र पूर्वे समेत बड़े नेता यहां पे मौजूद हैं। और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो राष्ट्रीय आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव संपन्न हुआ है उस पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने मुहर लगा दी है। और अब ये कह सकते हैं कि कल जो 10 अक्टूबर को आरजेडी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने वाली है और खुला अधिवेशन होने वाला, उसमें 12वीं बार आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में लालू प्रसाद यादव की ताजपोशी होगी। और इस बैठक में जो है वो प्रस्ताव पारित किए गए हैं, चाहे 5 प्रस्ताव पारित किए गए हैं, वो सामाजिक हैं, आर्थिक हैं, राजनीतिक हैं, विदेश हैं, और ये 5 प्रस्ताव इसमें पारित किए गए हैं। और इस ये, ये इस प्रस्ताव के द्वारा जो है सो इस प्रस्ताव को आज इसमें पारित किया गया और इस प्रस्ताव पर मुहर जो है सो कल राष्ट्रीय अधिवेशन में लगेगा। और उसमें आप ये कह सकते हैं कि उसमें ही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव खुला अधिवेशन को भी संबोधित करेंगे और इस तरह से 2024 के चुनाव के आगाज की शुरुआत होगी। टीएमसी के कन्वेंशन हॉल में ये कार्यक्रम आयोजित की गई है और इस तरह से यह आप देख सकते हैं कि कार्यकारिणी की बैठक अब लगभग समाप्त होने पर है। मौन जो मृतक हैं उनको श्रद्धांजलि देने के बाद इस कार्यक्रम की विधिवत समापन किया जा रहा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक आरजेडी के लिए है कि 5 जुलाई 1997 के बाद पहली बार आरजेडी का राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ पे हो रहा है और इसमें पार्टी नेतृत्व के द्वारा आगामी 2024 के चुनाव की तैयारी करने की जा रही है। इसका एक तरह से आगाज किया जाएगा। कैमरामैन सुनील के साथ अशोक मिश्र, कशिश न्यूज, नई दिल्ली।